हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो आपके पर्सनल यूज़ और ऑफिस के यूज़ में भी बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, जिसका नाम है फोल्डर मार्कर। इसमें हम फोल्डर के कलर को चेंज कर पाते हैं और उसमें मार्क भी कर सकते हैं कि वह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसका वर्क कंप्लीट हो गया है या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले आपके जो कंप्यूटर में ब्राउज़र है उसे ओपन कर लें, जैसे कि मेरे पास है गूगल क्रोम, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आप टाइप करें फोल्डर मार्कर, इंटर करें। देखिए यहाँ सबसे ऊपर आ गया फोल्डर मार्कर, foldermarker.com। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये साइट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स में जाएं, यहाँ पर कंपेयर वर्जन्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर मार्कर प्रो, फोल्डर मार्कर होम, फोल्डर मार्कर्स फ्री। यदि आप फ्री मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आइए, यहाँ पे फ्री, नो स्पाईवेयर, नो एडवेयर, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ $24.9 में आप इसे बाय कर सकते हैं, और प्रो वर्जन है 34.95 में। तो हम इसे आज फ्री में डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें। आप देखेंगे इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की साइज़ 4.33 MB है। तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद नेक्स्ट करें। यहाँ से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करें। नेक्स्ट करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें, फिर क्लिक करें, यहाँ पे नेक्स्ट करके क्लिक करें, फिर इंस्टॉल करें। यह इंस्टॉल हो रहा है। ओके, फिनिश पे क्लिक करें। ठीक है, यह हमारा एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। आप इतने प्रकार के कलर्स अपने कंप्यूटर के फोल्डर्स के बदल पाएंगे। ओके, यहाँ से इस ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं। foldermarkers.com की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस साइट पे डायरेक्ट आ जाएंगे और आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, इस सॉफ्टवेयर को भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ एक डेमो फोल्डर बनाएंगे। डेमो A1 नाम दे देते हैं इस फोल्डर को। ओके, अब मैं आपको इस फोल्डर का
जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसकी सहायता से कैसे कलर चेंज होता है ये बताता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, तब यहाँ पे आपको दिखाई देगा मार्कर फोल्डर्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हाई प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे इस फोल्डर में अपसाइड एरो बन गया है। ओके, अपसाइड एरो बन गया है, इसका मतलब है इस फोल्डर की हमारे लिए हाई प्रायोरिटी है, मतलब ये इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद मार्कर फोल्डर पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल प्रायोरिटी पे क्लिक करेंगे तो अप एंड डाउन साइड दोनों साइड एरो बन जाएगा, ग्रीन एरो। ओके, इसके बाद हम इस पर फिर से राइट क्लिक करते हैं, मार्क फोल्डर पे आते हैं और यहाँ लो प्रायोरिटी पे क्लिक करेंगे तो डाउन साइड एरो बन जाएगा, मतलब यह फाइल, यह फोल्डर हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद मार्कर फोल्डर्स में आप देखेंगे और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, प्लान प्लान वर्क, हाफ वर्क डन, मतलब यदि हमने कंप्यूटर में या लैपटॉप में हमारा जो वर्क है थोड़ा सा बच गया है तो आप उस पे यह निशान कर सकते हैं। इसके बाद है वर्क डन का निशान भी कर सकते हैं, वर्क फाइल्स का निशान भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई प्राइवेट फाइल्स है तो इसकी सहायता से आप उसे उस फोल्डर को आसानी से मार्क कर पाएंगे और बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है इम्पोर्टेंट फाइल्स, आप ये भी मार्क कर सकते हैं अपने फोल्डर पे। टेम्प फाइल यानी टेम्पररी फाइल, ये भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको मैं बहुत अच्छा इस सॉफ्टवेयर का फीचर बताने जा रहा हूँ, कलर्स। इस सॉफ्टवेयर को आप पर्टिकुलर कलर भी दे सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, वाइट कलर है, ग्रे कलर है और ब्लैक कलर है। ठीक है, आप जो भी इस फोल्डर को कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे आप इस फोल्डर को रेड कलर देना चाहते हैं तो इस पे रेड पे क्लिक करें और आप देखेंगे फोल्डर का कलर रेड हो गया है। ओके, इसके बाद हम और कलर बदल के देखते हैं, यहाँ से आए यहाँ कलर में गए और अब मैं चाहता हूँ इस फोल्डर का जो कलर है ग्रीन हो जाए, तो देखिए ग्रीन हो गया। ओके, फिर मार्कर फोल्डर में गए, यहाँ से आप कलर्स और भी बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस हैं उनमें से सिलेक्ट कर सकते। यदि आप चाहते हैं मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मैं वापस फोल्डर का जो कलर था वही करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रीस्टोर डिफ़ॉल्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोल्डर था वो पहले जैसा बन जाएगा। इसके बाद मोर आइकॉन्स यहाँ से आप से देख सकते हैं, इतने सारे कलर्स आप फोल्डर को दे सकते हैं, इतने सारे सिंबल्स आप फोल्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फोल्डर मार्कर्स। थैंक यू।